बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज की वीडियो है आरपीएफ। आप लोगों को पता ही है 7 साल के बाद ये वैकेंसी निकला है और एज का बता देता हूँ 28 साल लास्ट उम्र है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सपना है आरपीएफ में कॉन्स्टेबल और एसआई बनना तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ मेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाला 4 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, तो इससे पहले फिजिकल के साथ साथ आपको रिटर्न की भी आवश्यकता है। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है लॉन्ग जाओ, और कहना चाहूंगा ये जो वैकेंसी है पूरे भारत के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट का भी सर है लॉन्ग जंप आज होने वाला है। आप देख सकते हो सारे हमारे स्टूडेंट यहाँ पर खड़े और जोश है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें कोई नंबर नहीं है। आपको रिटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, दोनों का ही है। लेकिन जो लॉन्ग जंप है अलग अलग है, गर्ल्स के लिए 9 फीट होता है और बॉयज के लिए 14 फुट कॉन्स्टेबल के लिए। अगर एसआई का बात करें गर्ल्स के लिए 9 फुट और बॉयज के लिए 12 फीट। तो देखते रहिए वीडियो में, हमारे स्टूडेंट में करने वाला है। वीडियो को अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप भी चाहते हो आरपीएफ में एसआई बनना कॉन्स्टेबल बनना तो आप ज्वाइन कर सकते हो पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी, जो फिजिकल आपको स्टैंडर्ड करके देगा। पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी दावा करता है। और जोश है तो देखते रहे वीडियो में। चलो गो बिल्कुल पास है। अब देख सकते हो साथियों बिल्कुल पास है, क्वालिफाई है 14 फीट कॉन्स्टेबल के बिल्कुल फिट है। बता लिया सबसे आगे ऐसा के लिए बिल्कुल फिट है। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे धावक, तालियां एक बार। बिल्कुल क्वालिफाई रेडी तालियां पास है। नेक्स्ट पास और थोड़ा सा जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। 12 फीट 14 फीट नहीं हो रहा है। 12 फीट ऐसा के लिए सामने देखो सामने देखो सामने थोड़ा मेहनत करो और मेहनत करो। चलो चलो सामने देख लो, ताले मारे को ताले। 14 फीट आराम से आराम से आराम से सामने साइकिल 14 फीट कंप्लीट। बारह फीट सामने साइकिल हॉल हो रहा है साइकिल Thank you.
एक्सीडेंट। तो साथियों, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से ट्रेनिंग होता है। अगर आप भी सपना आरपीएफ बनना, अभी से आप प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम के बाद तुरंत फिजिकल हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, कुछ बच्चे ने अच्छा किया, कुछ बच्चे ने डिस्क्वालीफाई भी था एक आधा बच्चा। तो इस तरफ से आपको जो गलती को आपको सुधारना है, किसमें कमी है वो चीज़ देखो। सिर्फ वीडियो देख के सो जाने से काम नहीं बनेगा, आपको खुद ग्राउंड में जाके करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस रोजाना करें, निरंतर करें, जिससे आपकी जो सपना बहुत जल्द साकार हो जाएगा, अगर निरंतर अगर प्रैक्टिस करोगी तो। तो साथियों, इसका वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।